हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम कुकिंग पर। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का के साथ खाई जाने वाली दही वाली हरी चटनी घर पर। आज मैं आपको तंदूरी पनीर टिक्का गैस पर बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप आसानी से कभी भी बना सकते हैं और उसमें फ्लेवर सेम आएगा जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। नमक, नींबू का रस, तेल, दही, प्याज बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, आधे शिमला मिर्च बड़े टुकड़ों में कटी हुई, 2 चम्मच बेसन, काला नमक 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ 1 कटोरी पनीर से मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 सर्विंग बाउल में दही निकालेंगे। मैंने इस दही को 1 घंटे के लिए कपड़े पे बांध कर टांग दिया था, जिससे जो दही का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और जो हमारी दही है वो टाइट हो जाए। गाढ़ा दही हमें इसमें इस्तेमाल करना है। अब इसमें हमें सारे मसाले डालने हैं। उसी के साथ अब मैं यहाँ पर डालूंगी नींबू का रस, 1 से 1.5 चम्मच बेसन डालें। आप बेसन की जगह सत्तू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बेसन को रोस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पर नमक डाल दूंगी। अब हमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है। इसे हमें तेज गर्म करना है, उसके बाद हमें इसमें मिलाना है। ये देखिए जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए अब इसे हमें इसमें मिला लेते हैं। इस तेल से हमारे जो पनीर टिक्का है उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, जैसे आप बाहर खाते हैं उसमें आता है। अब इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें ज्यादा लाल कलर लाने के लिए रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कलर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब हमें इसमें शिमला मिर्च डालनी है, प्याज और पनीर डालें। तो इन्हें हमें अच्छे से कोट करना है दही का जो हमने मसाला तैयार किया है। अब हमें इन्हें कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रख देना है, जिससे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। जब तक हमारे ये पनीर और प्याज शिमला मिर्च मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम चलिए दही वाली चटनी बनाते हैं। दही वाली चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा नींबू का रस, नमक, दही, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा खट्टा हरा धनिया। सबसे पहले हमें एक जार लेना है। जार में हमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। उसी के साथ दही डालनी है। हमें इसे पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, दही से इसका पेस्ट बनाना है और नींबू का रस डालकर इसे पीस लें। ये देखिए हमारी जो दही वाली हरी चटनी है वो कितनी अच्छी बनी है, टेक्सचर भी कितना अच्छा है। ये देखिए हमारे जो पनीर है उसे भी 1/2 घंटा हो गया है और ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे एक बार और मिक्स कर लें। चलिए अब हम इसके कबाब स्टिक बना लेते हैं। ये आपको बाजार में और ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। आप इसमें पहले पनीर के पीस रख डालें, उसके बाद शिमला मिर्च और प्याज। आप ऐसे ही पूरी स्टिक तैयार करें। ध्यान से, पनीर बहुत सॉफ्ट है, कहीं पनीर टूट ना जाए। ये देखिए मैंने जो 2 स्टिक तैयार कर ली है। चलिए अब इन्हें हमें डायरेक्ट गैस पर सेकना है। गैस ऑन करें, हमें इन्हें हाई फ्लेम पर ही सेकना है। हमें पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेना है, जब तक उसके ऊपर हल्के हल्के जलने के डॉट्स ना आ जाएं। ये देखिए जो पनीर है वो धीरे धीरे सिकना शुरू हो गया है। आप इसे एक जगह ना रखें, इसे आप लगातार घुमाते रहें। आप तवे पर भी सेक सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप तवे पर बना सकते हैं, सिंगल सिंगल पनीर और शिमला मिर्च प्याज को रखकर। ये देखिए जो हमारे शिमला मिर्च और प्याज है वो कितने अच्छे से सिक गए हैं। बस हमें इन्हें हाई फ्लेम पर सेकना है और इन्हें यहाँ पर फ्लेम को बंद करें, हमें इससे ज्यादा इन्हें नहीं सेकना है।
ऐसे ही हमें दूसरी स्टिक भी सेक लेनी है। चलिए अब इन्हें हमें इनके प्लेटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर चाकू की मदद से इन्हें निकालूंगी, आप इन्हें ध्यान से निकालें क्योंकि पनीर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अगर आप ऐसे झटके से निकालेंगे तो ये टूट भी सकता है, इसे आप, मैं यहाँ पर चाकू की मदद से निकाल रही हूँ। मैंने चाकू का पीछे का इस्तेमाल किया है। ये देखिए लग रहे ना कितने टेम्पटिंग देखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।